Good morning, students. Today we are starting a new chapter, that is chapter 9, organisms and their surroundings. कि जो आसपास का जो एरिया है, that is called the surrounding. उसके आसपास का जो भी एरियाज है, जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, that is their surrounding. तो how they can survive, how are they related to the their surroundings and how they behave इन दैट टाइप ऑफ एटमोसफियर, ये सब कुछ मुझे क्या करना है इस चैप्टर के अंदर रीड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आवर सराउंडिंग हैज टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग. इट मीन्स आई कैन से आवर सराउंडिंग हैज टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स, दैट इज एबायोटिक एंड abiotic and biotic. What is the meaning of biotic? Biotic का मतलब होता है that is living. That is living and abiotic means that is non-living. Abiotic means that is non-living things. Are you listening? तो the giving that living components includes all the living beings are living or biotic component of the surroundings, while the abiotic that are not लिविंग दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, हमारे जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं, दे इंक्लूड द सनलाइट, दे इंक्लूड द वाटर, दे इंक्लूड द सॉयल एंड टेम्परेचर. ये सारे क्या है कि एबायोटिक फैक्टर्स हैं. ये सारे क्या है, एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैं दैट फॉर्म द एनवायरमेंट और सराउंडिंग. तो वॉट इज द प्लेस वेयर वी कैन लिव एंड सर्वाइव. एक कोई प्लेस है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. तो उस प्लेस को हम लोगों ने क्या बोला है, दैट इज द हैबिटेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट, द प्लेस वेयर द प्लेस, या फिर हम लोग बोलेंगे द नेचुरल एनवायरमेंट, द नेचुरल एनवायरमेंट इन विच एनी ऑर्गेनिज्म लीव एंड ग्रोज. कोई ऐसा प्लेस किसी ऑर्गेनिज्म का जिसमें वो रहता है और जिसमें उसकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. मैं उसको बुक से थोड़ा रीड आउट करके बताता हूँ आपको. ठीक है, द नेचुरल एनवायरमेंट इन विच एनी ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव और ग्रोज इज नोन एज हैबिटेट. अ हैबिटेट हैज ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट एन ऑर्गेनिज्म मे नीड टू सर्वाइव. जो हैबिटेट है दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट्स वहां पर होनी चाहिए वो उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ठीक है, उसके बाद में क्या है, फॉर एन एनिमल हैबिटेट इज एबल टू प्रोवाइड फूड. हैबिटेट इज एबल टू प्रोवाइड फूड वाटर शेल्टर एंड द मैट टू सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस. एक ऐसा एनवायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, जिसमें वो इजीली सर्वाइव कर पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर फूड, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ देयर वाटर शेल्टर एक्सेट्रा, और एट दैट प्लेस दे कैन रिप्रोड्यूस. तो उस प्लेस को लोगों ने क्या बोला है, हैबिटेट. ठीक है, व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू ट्राई टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ डेजर्ट. अब देखो क्या है, डेजर्ट एक्वेटिक्स पानी वाली जो एरियाज हैं, डेजर्ट वाले जो एरियाज हैं, उनमें जो एनिमल्स रहते हैं या प्लांट्स जो हैं, दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स टू लिविंग फॉर सर्वाइवल इन दैट एरिया. डेजर्ट वाला जो एरिया है उसके अंदर जो एनिमल है, दैट हैव सम स्पेशल कैरेक्टर्स टू बी सर्वाइव ओवर देयर. वो वहाँ पर रहते हैं, इट मीन्स दे हैव सम प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कुछ कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी दैट मेक्स देम लाइक दिस. वो उसके लाइक उसको बनाते हैं टू बी सर्वाइव ओवर
दे है, ठीक है। तो डेजर्ट एरियाज के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनमें कोई प्रॉपर्टीज होगी, एक्वेटिक पानी में रहने वाली जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनके लिए अलग प्रॉपर्टीज होगी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज मुझे क्या करनी है, रीड आउट करनी पड़ती है। सपोज आई एम लिविंग इन अ डेजर्ट एरिया, आई एम अ लिविंग इन अ डेजर्ट एरिया, व्हेनेवर आई गो टू द एक्वेटिक रीजन, जब मैं पानी के अंदर जाता हूँ तो आई कैन नॉट सर्वाइव इन द वॉटर। कैसे? बिकॉज माई बॉडी इज नॉट हैबिचुअल फॉर दैट एनवायरमेंट, मेरी बॉडी जो है उस एनवायरमेंट के लिए क्या नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। आई वास्तव में आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ हैबिटेट, मेरा हैबिटेट वैसा नहीं रहा है, बट द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ईजिली सर्वाइव इन टू द वॉटर बिकॉज दे हैव द हैबिचुअलिटी, दे हैव द हैबिट, दैट हैव दे हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्वाइव ओवर देयर। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स द ऑर्गेनिजम्स हैबिचुअल टू सर्वाइव, ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या मतलब हुआ एडेप्टेशन का, वॉट इज द मीनिंग ऑफ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या है? द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल्स अ प्लांट और एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेशन। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इन द डेजर्ट एरिया द कैमल हैज द फीट लाइक दैट, फीट ऐसे हैं उसकी जो बिल्कुल स्पॉन्जी होते हैं, गद्देदार होते हैं, तो दैट इज द एडेप्टेशन। इन द पोलर रीजन्स द एनिमल्स हैव द लॉन्ग हेयर्स ऑन देयर बॉडी, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाए। आई वास में तो दैट हैव द एक्वेटिक, दैट हैव द एडेप्टेशन, दैट हैव द एडेप्टेशन। और अगर मान लीजिए दैट एनिमल और प्लांट गेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट, आरी बात में, इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ। जनरली मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि वेन एवर आई डी प्लांट अ स्मॉल प्लांट, डी मैंने क्या कर दिया, एक प्लांट को उखाड़ लिया, प्लांट को उखाड़ा मैंने जो डेजर्ट का था, आरी बात में जो क्या है डेजर्ट का है। आई हैव टेकन दिस प्लांट एट माई फील्ड, मेरे घर के पास में कोई फील्ड है उसके अंदर मैं उसको लेकर आ गया एंड आई प्लांटेड वेरी वेल, उसको अच्छे से मैंने वहां पर ग्रो कर उगा दिया, मैंने इम्प्लांट कर दिया। दो कंडीशन आएगी, इट मे गेट्स ड्राई, इट मे गेट्स सर्वाइव। क्या है, या तो वो सूख जाएगा या फिर वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। वेन एवर इट गेट्स फॉर द इट कम्स फॉर द इट इंक्रीजेज इट्स हाइट, जब ग्रोथ जब हो रही है तो आई कैन से इट कैन अडेप्ट द अडेप्टेशंस ऑफ दिस एनवायरमेंट। इसने क्या किया है, उस एनवायरमेंट की जो अडेप्टेशंस है, जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको उसने क्या कर लिया है, अपना लिया है और वो उसके लायक बिहेव करने लग गया है। इसका मतलब ये है कि वेन एवर आई चेंज माई एनवायरमेंट एंड आई अडेप्ट द डिफरेंट एनवायरमेंट, तो दैट इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैमोफ्लेज, क्या बोल देंगे उसको, कैमोफ्लेज, क्या बोलेंगे उसको, कैमोफ्लेज, क्या बोल देंगे उसको, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। क्या बोला, कैमोफ्लेज क्या है बेटा, देखो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग, अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ब्लेंड कर दिया है उसने, तो दैट इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज। आर्यवास में फॉर एग्जाम्पल द मोनार्क बटरफ्लाई हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन इट्स विंग्स। मोनार्क बटरफ्लाई जो है उसने क्या किया, उसकी बॉडी के ऊपर टू टाइप्स के क्या है, स्पॉट्स हैं उसके विंग्स के ऊपर, क्या है, ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक स्पॉट्स ऑन देयर विंग्स। दिस एडेप्टेशन वॉर्न्स पोटेंशियल प्रेडेटर्स दैट द बटरफ्लाई इज पॉइजनस, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग ईटन। ये जो एडेप्टेशन है उसकी, उसकी बॉडी के ऊपर जो ब्लैक रेड ऑरेंज स्पॉट्स हैं
उससे क्या होता है, उसके जो प्रीडेटर्स हैं, उसको जो खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ये सोचते हैं कि इट इज़ क्वाइट पॉइजनस, ये क्या है, पॉइजनस है, इसलिए इसको नहीं खाया जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, एक एडेप्टेशन कैमोफ्लेज हो गई, वो उसके अंदर मिक्स हो गई। कैमोफ्लेज का मतलब क्या हुआ कि वो उस एनवायरमेंट में मिक्स हो गई। अगर हम लोग ये बोले कि ग्रीन कलर का पैरेट है, वेन एवर इट सिट्स इन द ग्रीन एनवायरमेंट आई कैन नॉट सी इट, मैं उसको नहीं देख पाता, तो दैट इज इट्स कैमोफ्लेज। आई बात समझ में, ग्रीन कलर का कोई पैरेट है, वो अगर किसी ग्रीन पार्ट के ऊपर या ग्रीन थिंग के ऊपर बैठता है तो आई कैन नॉट सी इट वेरी वेल, उसको इजीली मैं पहचान नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज। आई बात समझ में, वो अपने आप को उसके अंदर क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कैमोफ्लेज। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड इट्स कैमोफ्लेज। वो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स लाइक द डेजर्ट, लाइक द टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल रीजन्स, मतलब जो वाटर एरियाज हैं उनके सी एरियाज हैं, वहाँ पर क्या होता है, कौन से हैबिटेट होते हैं, उनके बेसिस पे मुझे इस चैप्टर को रीड आउट करना है। तो क्या पढ़ना है, देखो आप मुझे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या बोलता है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लीव्स ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट लीव्स ऑन द लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ग्रास लैंड्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ये कौन से हैं, जो उनमें जिनमें ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है, ओनली एंड ओनली लैंड के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बोला है लैंड, ग्रास लैंड कैसी, ग्रास लैंड क्या है, ग्रास लैंड्स आर ग्राजी विंडी एंड पार्टली ड्राई एरियाज। ग्रास लैंड कैसे होते हैं, पार्टली ड्राई एरियाज। ग्रास लैंड्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़कर सारे वर्ल्ड के अंदर क्या है, ग्रास लैंड्स मौजूद है। द कवर अबाउट द 1/4 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस, अर्थ का जो 25% है दैट इज लैंड सरफेस। ओके, तो अब प्लांट्स के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन हो सकती है, वहां पर क्या क्या अडेप्टेशन है, देखो एज द ग्रास लैंड्स डू नॉट गेट अ लॉट ऑफ रेन, मैनी ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग हियर हैव स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्स्ट हैबिचुअल फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टर्स व्हाट दे हैव द स्मॉल साइज लीव्स एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इन ऑर्डर टू गेट वाटर द प्लांट्स हैव रूट्स दैट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। पानी को लॉस नहीं होने देते, इसका मतलब उनको पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, तो उनकी रूट्स क्या होती है, अंदर तक जाती है, उनकी रूट्स क्या होती है, नीचे तक जा रही है। एज दे हैव द स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम है। ग्रास लैंड्स हैव वेरी फ्यू श्रब्स एंड ट्रीज, उसके अंदर बहुत कम क्या है, झाड़ियाँ हैं और ट्रीज हैं। एज इट कैन गेट टू विंडी इन द ग्रास लैंड, वहाँ पर ज़्यादा हवा भी नहीं चलती है। द प्लांट्स हैव प्लांट्स हेयर हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम्स एंड बेंट इजिली विदाउट ब्रेकिंग। वहाँ के जो प्लांट्स हैं ग्रास लैंड के, ये छोटे क्या होंगे, छोटे प्लांट्स होंगे, दे हैव द वीक स्टेम और फ्लेक्सिबिलिटी ऑलवेज हैव दे हैव, तो इजिली जितनी भी हवा चलती है उसके अंदर वो इजिली बेंट हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। स्ट्रॉन्ग रूट्स प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बींग अपरूटेड बाई द स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर तेज हवा चल रही है तो उनकी रूट सिस्टम कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जो उनको उखड़ने से बचाता है। आई बात समझ में, ये सारे क्या है आपके, दीज आर द एडेप्टेशंस इन द प्लांट्स। और वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो दे हैव द स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट इनेबल्स देम टू रन अवे एट द हाई स्पीड फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एंड एनी डेंजर। ग्रास लैंड के ऊपर क्या है, प्लांट्स नहीं है, झाड़ियाँ नहीं है, तो वहाँ पर जो भी एनिमल्स है दे कैन रन फास्टर, देखे न रन फास्टर फ्रॉम दियर प्रीडेटर्स, उनको खाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म से उनसे बचे वो खतरे के टाइम पे भाग सकते हैं। दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड आई साइट टू स्पॉट द डेंजर। उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी नज़र जो है बहुत तेज रहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ उसके हाइड करने वाली उसको नहीं है। सम एनिमल्स लाइक एंटीलॉप्स एंड जेब्राज हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। चीटियाँ और जेब्रा जो है उसकी स्मेलिंग सेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। दिस अलर्ट देम टू द डेंजर नियर बाई, उनको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरे आसपास कोई डेंजर तो नहीं है।
दीज एनिमल्स टेंड्स टू लिव इन हर्ड्स एज इट इज सेफर देन बीइंग अलोन. ये एनिमल्स क्या होते हैं, इजीली अलग अलग रह पाते हैं. सम एनिमल्स बुरो इन टू द सॉइल, बुरो का मतलब होता है खोद कर रहते हैं ये जमीन के अंदर. बीनीथ द ग्रास एंड हाइड इट हाइड इन टफ्ट्स ऑफ ग्रास, अपने आप को क्या करते हैं वो छुपा लेते हैं. द बॉडी कलर ऑफ दीज एनिमल्स मोस्टली गेट्स कैमोफ्लेज्ड विद द सराउंडिंग्स, जो बॉडी का कलर है दैट इज कैमोफ्लेज्ड विद द सॉइल. सॉइल का जो कलर है आसपास की सराउंडिंग है उसके बेसिस पे क्या होगा अपना कलर वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं. मेकिंग देम द लेस ससेप्टेबल टू द प्रेडेटर्स एंड ऑल्सो हेल्प देम टू इन हंटिंग देयर प्रे, उसको इजिली वो क्या करते हैं अपने अपने शिकार को इजिली पकड़ लेते हैं और प्रेडेटर से अपने आप को बचा लेते हैं. वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ग्रास लैंड्स, दे आर होम्स टू मैनी हबी वॉरस सच एज बाइसंस, गजेलाज, जेब्राज, जिराफ एक्सेट्रा. ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन एरियाज में, ग्रास लैंड एरियाज में होते हुए भी क्या करते हैं अपने आप को क्या करते हैं सर्वाइव करवाते हैं, बिकॉज दे हैव द एडेप्टेशन लाइक द दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द दैट आर नीडेड बाय द प्लांट और एनिमल्स इन टू दैट एरिया. उस एडेप्टेशन के तो उस सराउंडिंग के अंदर जो एडेप्टेशन दे रिक्वायर्ड टू सर्वाइव ओवर देयर दे हैव, उनकी बॉडी के अंदर क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है. इट मीन्स दे कैन सर्वाइव इन टू द टेरेस्ट्रियल रीजन्स, दे कैन सर्वाइव इन टू टेरेस्ट्रियल रीजन्स. ओके, इट इज इनफ फॉर टूडे, यू हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड रीड इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड वॉट आई हैव एक्सप्लेन इन टू दिस चैप्टर. ओके, इट इज इनफ फॉर टूडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.